नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कौन होगा बड़ौदा का योद्धा में आपका स्वागत है। सर्वे के दौरान बड़ौदा उपचुनाव का जो सर्वे चल रहा है उसके दौरान हम अब पहुंचे हैं गढ़वाल गांव है और इस गांव में लगभग 5000 के लगभग वोट हैं और जिसमें से 3200-3300 के लगभग 3500 के लगभग वोट यहाँ पर पोल होती हैं। तो जनता से सर्वे करने के दौरान हम जान रहे हैं कि कौन होगा बड़ौदा का योद्धा और किस पार्टी का यहाँ पर प्रत्याशी है जो मजबूत है। एक बार दिखाना चाहेंगे, इधर भी जो कुछ गांव वाले बैठे हुए हैं, यहाँ भी कुछ गांव वाले बैठे हैं और पीछे की तरफ हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे पीछे की तरफ दिखाए गांव वाले बैठे हुए हैं। तो सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर किस पार्टी का रुझान है। यहाँ हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ गाँव का माहौल है। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। क्या कुछ माहौल है गाँव का? बढ़िया है माहौल, तो कांग्रेस का ज़्यादा है। अच्छा, हाँ मैं गिरूंगा नौ लोगी। अच्छा, इन्हें लोगी गिरोगे? बस अच्छा, कांग्रेस का माहौल है और आप गिरोगे इन्हें लोगी? इन्हें लोगी। क्या कारण है ये भी बता दीजिए? ये कारण है एक पसंदीदा है हमने उतने का। अच्छा, देवीलाल। हाँ अच्छा, इनेलो से निकल के जेजेपी भी बनी है। हाँ बनी है। चौटाला वाली। हाँ, हाँ। वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। हाँ कर रही है। क्या उसका फर्क पड़ेगा? वो पोता है देवीलाल का। हाँ पोता है तो कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं, चलो कोई बात नहीं। और कोई विकास कार्य हुए हैं आपके गाँव में? विकास कार्य कुछ घने खास से नहीं। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ रुझान है जी गांव का? देखो रुझान कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का है? पिछली बार? पिछली बार भी कांग्रेस का है, तो कांग्रेस का एक कैंडिडेट बने आए यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कृष्ण हुड्डा। अच्छा, बालू का नाम है या फिर हुड्डा का नाम है? नहीं, हम तो हुड्डा कह लिया, कांग्रेस कोई वोट देते हैं। अच्छा, अच्छा। बालू कैंडिडेट तो इसका ही देना है। हाँ। बालू का कोई ज्यादा वो नहीं, बाकी हुड्डा को वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट योगेश्वर दत्त है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम इसके नाम पे वोट देंगे, बीजेपी को नहीं, हमारी सपोर्ट है। तो वैसे ही कई बार होता है कि हुड्डा का ठीक है, चलो भाई पहले दे दिया, लेकिन बालू कई बार बोलते हैं हमारे गाँव का है, हम दे देंगे। ना ना, हम तो हुड्डा को वोट देते हैं। अच्छा अच्छा। राम राम जी। क्या कुछ माहौल है जी, क्या कुछ लग रहा है? बढ़िया माहौल है, इन लोग देंगे हम दो। अच्छा, इन लोगों का माहौल है। हाँ। अच्छा, तो जोगिंदर मलिक के साथ हैं आप? हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो माहौल किसका है ये हमने जानने की कोशिश कर रहे हैं और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कार्य जो यहाँ के गांव के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं। राम राम भाई। राम राम भाई। इसी गांव का है? हाँ इसी गांव का भाई। अच्छा, तो क्या कुछ माहौल है इधर? माहौल था भाई, इन लोग हड़ दो, इन लोग है। हाँ। अच्छा, क्या कारण है इन लोग का इधर? कारण भाई, काम करवा रखे इन लोगों ने। अच्छा। इसने कुछ नहीं कराया यार, पिछले 6 साल से तो बीजेपी है, उससे 10 साल पहले कांग्रेस थी। हाँ कांग्रेस, उन्होंने काम 15-16 साल पहले कराए थे। हाँ कराए थे, बस मौके थी उस राज में, तो बढ़िया काम हुए थे, बालक भी बढ़िया लगे थे। इस राज में बालक है भर्ती रखी पड़ी है वह सारी या आर्मी वाली भर्ती भी कोरोना में सब में रखी। अजी टी पी दर देख लो कितनी आएगी, ये सब में कितने सैनिक मर गए इस राज में देख लो आप। उस तक दुष्यंत चौटाला भी है। हाँ तो दुष्यंत चौटाला अपने बेरा है, किसी वजह से बाहर आप बताओ। हाँ तो भाज गया था वो अपने बेरा है, पार्टी बनाई है। हाँ नई पार्टी बनाई थी, वो खत्म होगी पार्टी भाई। अच्छा, कुछ नहीं उस पार्टी का, कोई नहीं रुझान रहा उस पार्टी का। इनेलो का है? इनेलो का है, मारो दो। जोगिंदर मलिक ने पूरी सपोर्ट करे। राम राम ताऊ जी। राम राम बीजती जे जे मन नहीं बोलना आया कर दा दाड़ दुख है। इधर बोल जे है, राम राम तो खड़ा है। बता दे कि किस पार्टी का माहौल है इधर? हिस्सा बता दिया यूं रहा है। जोगिंदर मलिक का है, बता दे भाई। कोई बात नहीं, जोगिंदर मलिक की गिरा है भाई। अच्छा भाई, किसका भाई? मैं तो हुड्डा ही गिरूंगा। अच्छा, हुड्डा ही गिरेगा। हां, काम कुमोए हैं कोई पिछले 6 साल में हुड्डा में? जीरी बकवाई दी थी पर के ठीक। अच्छा, ये फकड़ा पटरी है। 40 का किला लिया ठेका पे, जीरी 30 की हो है। पिछली बार भी जीते थे हुड्डा तो यहाँ से, तो जीते थे भाई, जीरी ठीक बकवा दी थी। नहीं, पिछले 6 साल की बात भाई, जीरी ठीक बकवा दी थी, पिट रहा है वाह। सरकार तो बीजेपी की है ना? अरे फिर के करा, मजबूरी है। मजबूरी? हाँ। अच्छा, आग ये पलट दे ना। अच्छा, ये हुड्डा की आ जाएगी। अच्छा, एक भाई और है, राम राम भाई। चलिए भाई, क्या बढ़िया भाई, ठीक है भाई। अच्छा, क्या कुछ माहौल लग रहा है भाई? भाई मोल दो बेरा नहीं खर, फिर गेरांगे जोगिंदर मलिक की। ओम प्रकाश चौटाला जी आए थे इधर? आए थे भाई, पीछे करके गए हैं दोरा। हाँ। तो, बड़ी। अच्छा, बस में आए थे। हाँ। फिर मिले थे आप लोग? मिले थे। अच्छा, नो बोला था रे काम नो खेच के। अच्छा, एक सीट से मतलब कि किस तरह जीत जाएगा?
एक सीट से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे मारी मारी वोट है पूरा काम में। आई एन एल डी की बस खिलाफ चल रही है, हम कांग्रेस की नहीं गिर दे ना बीजेपी गिर दे। यहाँ बैठे हैं भाई सब, क्या कुछ लग रहा है आपने? आप तो समझदार है, काफी वोट देखे होंगे, मतलब कहीं इलेक्शन देख लिए होंगे, क्या कुछ लगा आपकी बार? आपकी बार तो बालू जीतेगा। बालू इंदिरा? अच्छा, युवा वर्ग तो कह रहा है भाई नलों के साथ हैं। हाँ, ये तो इंदिरा से गिर लिया। अच्छा, बालू के लिए क्या उड्डा गले? उड्डा गिर लिया। अच्छा ठीक है जी, राम राम। हाँ जी, एनएलओ के हैं भाई। एनएलओ के? हाँ। अच्छा, काम करवाया चौटाला साहब ने। अच्छा, उड्डा का? हाँ, उड्डा ने, उड्डा ने भी काम करवाया दोनों ने। अच्छा हाँ, और कौन बीजेपी रही है? बीजेपी, बीजेपी ने जी जी का जागते ही बा मंडी में जमा पटन ला गई है और पटेगी। तुम जा एक बात था, यू बाजरा सरकार को न लेंदी, सरकार बाजरा ले है को न लेंदी। ये बताओ मैंने कि 6 साल हो गए बीजेपी के, योगेश्वर दत्त पहलवान खड़ा कर रहा है, पहलवान करके नहीं वोट मिलेगी? वह अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं। पहलवान तो रहा भाई, बेरा मैंने भी है। मैं भी खेल रहा हूँ पहलवानी, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक ठीक, तो यहाँ हमने जनता की आवाज़ को सुना, और भी यहाँ लोग हैं। राम राम जी। राम राम जी, ठीक ठाक है जी? ठीक ठाक जी, अपनी सुनाओ। बढ़िया, आंधे होंगे कार्य यहाँ पे, नेता तो आंधे होंगे अभी चुनाव टक्कर बाजे है। अच्छा, तो गांव में सबसे ज़्यादा किसका माहौल है? सबसे ज्यादा उड्डे का है। उड्डा का है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे? दूसरा नंबर तो या आवेगी इन लो आवेगी। ठीक ठीक, बीजेपी तो खत्म है जमा। अच्छा, आड़ गांव मत। अच्छा, पहलवान के नाम पे वोट नहीं मिलता योगेश्वर? पहलवान पुलवान की थे 30 अंडे कच्चे पे रहे हैं। अच्छा, कोई बोले वोट बैंक नहीं है? कोई वोट नहीं अड़े। अच्छा, तो ये जनता की अपनी खुद की आवाज़ है, अंदर की आवाज़ है, वो किसे चाहते हैं, और भी यहाँ पे जो जनता है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बैठे हैं कुछ मौजूद व्यक्ति बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो यहाँ गढ़वाल गांव है इसका माहौल क्या है। कुछ यहाँ पे सीनियर सिटीजन हैं, मौजूद व्यक्ति हैं। राम राम जी। राम राम जी, ठीक है, काम देना पानी के, ये पानी ला देगा, कोई बात नहीं पानी। तो सभी पार्टियां आ रही हैं, अपना अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। गांव में विकास कार्य पिछले 6 साल के अंदर अगर हुए हैं तो बता दो, अगर नहीं हुए तो बता दो। पिछले 2 महीने में तो बहुत बढ़िया हुआ है भाई। ऐसा क्यों बताओ भाई? क्यों ऐसा है कि इलेक्शन की वजह से जो है ना, और एक सरकार बाय इलेक्शन में मैदान में उतारने से पहले कोई ना कोई काम तो करेगी ना, कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा। और दिखाने की बात भी नहीं, पहले 2 प्लान में यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी था जी। कांग्रेस के प्रत्याशी होने की वजह से वो एज्ड बहुत था, काम नहीं कर पाता था, जा भी नहीं पाता था, लोगों से मिल नहीं पाता था जी। यहाँ पर चाहिए जवान आदमी, गाँव है इस हल्के में, चम्मन गाँव है, शहर नहीं लगता जी जी। चम्मन के चम्मन गांव में घूमने के लिए टाइम भी चाहिए जी, युवा शक्ति चाहिए जी। तो फिर अब युवा शक्ति आप किसे मान रहे हैं? इनेलो की तरफ से जोगिंदर मलिक हैं, और बीजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त है, और जोगिंदर मलिक को आप सरकार में कहां ले आए अभी? किसका? योगेश्वर दत्त को? जोगिंदर के, जोगिंदर मलिक को। अच्छा, नहीं काम की बात होती है जब, तो अभी ये साथी करते कि इनेलो ने काम कराया सबसे ज्यादा? इनेलो ने कराया 20-25 साल पहले की बात आएगी वो, 15 साल पहले की बात आएगी ना वो। अब 15 साल से भी तो सरकारें रही हैं जी। तो आपका जो थोड़ा बहुत गांव का माहौल की सड़े हैं आपका माहौल, ये बड़े बुजुर्ग बताऊंगी, या फिर भी आपका कुछ ना कुछ तो रुझान होगा किसकी तरफ? जो यहाँ से देखो आप तो कुछ कह दे, पर जो बड़े कहेंगे वो ये है, आप ये बड़े बुजुर्ग आते पूछ रहे। राम राम जी। राम राम जी ने पूछ लिया मास्टर जी, बताऊं मैं? अच्छा, सब के सब मास्टर जी का देश पे चलेंगे सारे। मास्टर जी फिर खोल दो, पत्ते खोल दो, बता दिया जी किसका? यहाँ तो बराबर का पलटा है
किस किस का बराबर कौन कौन से हैं? योगेश्वर है, जो कांग्रेस है बालू। अच्छा, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को देख के वोट दिए जाएंगे या फिर बीजेपी के कारण? बात यह है, 4 साल सरकार रहेगी नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं जी कि मैं थोड़ा बहुत काम करवा ले गाँव का। खिलाफत में चल रहा है, कौन करेगा? तो ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, पहलवान आदमी है, ईमानदार आदमी है, अभी उस पर विश्वास है, वो काम करेगा। बहुत ईमानदार है, हमने तो कई बार देखा ही है। अच्छा, गांव में आता है जी? हां, गांव में। और काम कोई शुरू करवाए हूं? गांव तो कई हो गए शुरू हमारे। अच्छा। दो ट्यूबवेल लागे घरे 1450 फुट पर जी। गांव में पानी की समस्या थी पीने की, तो ये बल हो गई। अच्छा, 10 साल तो ये जो बाहर आबादी जा रही है ना, इनमें कोई बिजली का प्रबंध था ही नहीं। घर के वो ला रहे थे मीटर, फिर भी कोई नहीं संभाल था। इवन सारे 15 खंभे तो एक गडवा दिए। तो सारे जितने भी भाई बैठे हैं, सारे मतलब कि बीजेपी के साथ हैं? युवा का जो वोट है ना, वो विकास और रोजगार की तरफ। युवा बैठे थे वो सारे ऐसे कह रहे थे इनलो के साथ हैं हम। देखो आप, वो मैं तो देखो वो फिर या तो उनको नौकरी नहीं चाहिए, या तो नौकरी, जिसको नौकरी का आस है या जिसको रोजगार के लिए है, वो योगेश्वर के साथ जाएगा अगले 4 साल को करने के लिए। और विकास, थोड़े बहुत काम हो जाएंगे। अरे बालू बन गया तो पहले था इन कांग्रेस का, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार में। अच्छा, तो ईवीओ कह रहा है उड्डा, अगर आप सरकार मेरे को जितवा देते हो तो मैं सरकार गिरा दूंगा, फिर अपनी सरकार। पहले जीत तीन राजधानी को पूछे नहीं, पहले कांग्रेस की। ये जो नहीं, ये अभी कह रहे हैं, वो पहले ये बात कही थी उनसे, पहले कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ना, इससे लोग नाराज हैं, और तीन कई विधायक ऐसे हैं जो भी नाराज हैं, वो सारे टूट कर आ जाएंगे। और फिर अब फिर क्यों हंड होने को, इसकी क्या जरूरत है? प्रचार तो करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा लोगों को, इसलिए सारे नेता उतर रहे हैं। आप नहीं कह सकते? नहीं, ओम प्रकाश चौटाला, हाँ ओम प्रकाश चौटाला भी यही बात कह रहे थे। अब वो एक सीट की भी छोड़ो पहले तो। हाँ जी भाई जी, एक सीट की बता देंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी कह रहे हैं कि एक सीट है, मैं भी सरकार की बना लूंगा, तो फिर पहले नहीं बन जाती? एक सीट से थोड़ा कोई सरकार बन रही गिरी। यह सीट पहले कांग्रेस के पास थी, अब वही पे चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ना जी। ये तो योगेश्वर दे, फर्क तो किसी को नहीं पड़ने वाला अगर देखा जाए तो। सरकार नहीं गिरने वाली जी, नहीं सरकार का अगर एक सीट पहले भी नहीं थी, फर्क पड़ा है ये है, इनका इनका गांव है, इनको फर्क पड़ने बात मारा, फर्क पड़ा है काम करवाने। जय विरोधी बने हैं ना, कांग्रेस वाला बने हैं, तो हमारे काम नहीं होंगे। अच्छा, पहले यहाँ से कौन जीता था इस गाँव से पहले? कृष्ण हुड्डा कांग्रेस। तो अब मन बना लिया है सरकार के साथ जाने का? हमने तो बना लिया, काम का बेरा नहीं बना। अच्छा हाँ जी, सरकार के साथ ही हैं? हाँ, तो सरकार के साथ, विकास रूपी पहिए लगाना चाहे हैं। और भी है इधर भाई सरकार के? राम राम जी। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? हम तो सरकार के साथ हैं सारे। अच्छा अच्छा, काम करेगी 4 साल, बढ़िया काम करे, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी है, पहलवान आदमी है, कोई इसने मतलब लालच नहीं किया जी। अच्छा, जो डागे आगे बंदे जो कार्यकर्ता थे साथी थे, अब सारे फिर बीजेपी में जाएंगे, मतलब या फिर सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे ना? यो तो हमने के बेरा, हम तो अपने बतावा है अपने मन की बात है। अच्छा, वो डाणा का हमने के बेरा, वो उनके जाने। तो मेन फैक्टर आपके गाँव का ये रहेगा कि सरकार के साथ 4 साल है, जो काटने हैं बिल्कुल सही काम करवाने हैं। तो समझने की बात ये है कि गांव के जो लोग हैं सरकार के साथ हैं, तो समझा आपने कि जो मेन कारण यहां पे देखने को मिल रहा है वो ये है कि सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे। और जहां तक हुड्डा के गढ़ की बात है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो 4 साल रहे हैं, क्योंकि एक सीट और आने पर ना तो सरकार किसी की गिरने वाली है ना बनने वाली है, लोग ये बात समझ चुके हैं। यहाँ कहें कि लोग धीरे धीरे जो हैं अपनी बात को सामने रख रहे हैं, और मुख्य बात ये है इस गांव में किस लोग जो हैं चाहते हैं कि हम सरकार के साथ जितना 4 साल का समय रह रहा है या जो भी कार्यकाल सरकार करा रहा है, उस कार्यकाल को सरकार के साथ हम जोड़कर अपने गाँव का विकास कर सकें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।